नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका विद सुविचार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताऊंगी कि वट सावित्री का व्रत कब है, किस दिन है, 5 तारीख को है या फिर 6 तारीख को है, और पूजा विधि संपूर्ण विधि विधान के साथ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अभी तो सब किसी के मन में कन्फ्यूजन है कि वट सावित्री का व्रत 5 तारीख को है या फिर 6 तारीख को। ये कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूँगी इस वीडियो में। वट सावित्री का व्रत बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक वट सावित्री का व्रत है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है, इसके साथ ही उपवास करती है। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। तो आइए इस दिन की पूजा में किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं वट सावित्री का व्रत किस दिन पड़ रहा है। दोस्तों, इस बार यह व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं इस व्रत को करती है उन्हें सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 5 जून को शाम 7:54 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 6 जून को शाम 6:07 तक होगी। इसलिए दोस्तों, उदया तिथि को देखते हुए इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं वट सावित्री में क्या क्या सामग्री आपको लगेगी। लिस्ट बना करके रख लीजिए। सबसे पहले वट वृक्ष की डाल, दूसरी बात भीगा हुआ काला चना, बांस का पंखा, कलावा या सफ़ेद सूत, हल्दी में रंगा हुआ मौसमी फल जैसे आम, लीची, तरबूजा वगैरह वगैरह, अक्षत, धूप बत्ती और फूल, लाल हो या पीला हो, और फूलों की माला अवश्य लगेगी। पान का पत्ता, सुपारी, गंगा जल, पवित्र जल, आसन, केला का पत्ता, नए वस्त्र लाल हो या पीला हो, मिट्टी का घड़ा, दीप बाती, देसी घी का, तांबे के लोटे में गंगा जल मिला जल, सिंदूर, रोली, हल्दी और मिठाई, ये सारी चीज़ें वट सावित्री व्रत में लगेगी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का वास है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन पतिव्रता स्त्री वट वृक्ष की परिक्रमा करती है और चारों ओर कलावा बांधती है। माना जाता है कि ऐसा करने से पति की लंबी उम्र और संतान की प्राप्ति की मनोकामनाओं पूर्ण हो जाती है। अब आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस पावन दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को रखें। इसके बाद मूर्ति और वृक्ष पर जल अर्पित करें। इसके बाद सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। लाल कलावा को वृक्ष में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांध दें। इस दिन व्रत कथा भी सुनें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। अब आइए जानते हैं वट सावित्री के नियम। वट सावित्री व्रत के दिन दान करना
अति लाभकारी माना गया है। इस दिन सुहाग का समान दान करना शुभ माना गया है। बट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद वस्त्र भी धारण नहीं करनी चाहिए। इस रंग की चूड़ियाँ भी ना पहने। आपको लाल या पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। उसी तरह से लाल या पीले रंग, हरे रंग की चूड़ियाँ भी आप पहन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।